हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि जुलाई मंथ की जो सैलरी है इंक्रीमेंट के साथ में आपको प्रोसेस करनी है तो वो कैसे करेंगे। पूरा प्रोसेस अभी अपन जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी 28 तारीख से बिल एलोकेशन शुरू हुए हैं, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ और जिसमें कुछ चेंजेज होता है वो वीडियो में हर बार बनाता हूँ आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, वो भी आपकी डिमांड के अनुसार आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे आप पे मैनेजर 2 पे साइट पे आप लॉगिन करते हैं तो आपको लॉगिन में दिक्कत आती है, जिसलिए ऊपर आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक से आप इस साइट पर जाएँ और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो ये साइट काफ़ी फास्ट है और जल्दी चलती है जैसा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अपन लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन के बाद में इसमें बिल प्रोसेस करते हैं जनवरी का। चलिए दोस्तों, अपन लॉगिन हो चुके हैं और आपको ये बता देता हूँ कि ये बिल जो अपन प्रोसेस करेंगे वो DAC से प्रोसेस करेंगे, डिजिटल डोमन से। सिग्नेचर कैसे होते हैं वो भी साथ साथ में करेंगे, क्योंकि अपने चैनल पे पहला वीडियो है जो डायरेक्ट में लाइव डेमो के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सेम प्रोसेस वही रहेगा, आपको सबसे पहले बिल एलोकेशन करना है और जो पिछले लास्ट बार आपने बिल बनाया उसके अकॉर्डिंग आगे का बिल आप बनाते हुए और इस प्रोसेस कर दें। यहाँ से इसको फिलअप करते हुए और यहाँ से जनरेट करें, क्योंकि ऑटो कर रहे हो आप तो एक साथ में सारे बिल जनरेट हो जाएंगे, इस प्रकार से जनरेट हो गए और यहाँ से इसको कर दें सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका सक्सेसफुली एडिट हो गया, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों, ओके करने के बाद सैलरी प्रिपरेशन में जाके और एम्प्लॉई पे डिटेल में जाके आप अच्छी तरह से एक बार चेक जरूर कर लें कि एम्प्लॉई की जो डिटेल है, आपने इंक्रीमेंट जो लगाया है वो इंक्रीमेंट सही लगाया नहीं लगाया, और इंक्रीमेंट कहाँ से लगाना है वो आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। फिर थोड़ा सा और बता देता हूँ कि मास्टर ऑप्शन में जाएंगे, मास्टर ऑप्शन में जाने के बाद इंक्रीमेंट बेसिक है, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करके कर लेना है। फिर भी आपको एक बार तसल्ली के लिए आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करते हुए और ईयर सेलेक्ट करते हुए आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि आपका जो प्रोसेस बिल आप कर रहे हो वो उसके सैलरी इंक्रीमेंट लगा है या नहीं लगा है, वो आप सब आपको देख लेना है। तो अच्छी तरह से एक बार देख के और ये इंक्रीमेंट और बेसिक के डीए सब चेक करते हुए, इंक्रीमेंट में बेसिक बदलने के बाद में भी आप ज़रूर चेक करना एक बार कि बेसिक जो हुआ है उसका 17% डीए आ रहा है कि नहीं आ रहा है और 8% इसका एचआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी कटौतियाँ आपको नॉर्मली जैसे आप रेगुलरली चेक करते हो वैसे आपको करना है। यहाँ इसके बाद आप लोगों को बिल को प्रोसेस करना होता है। बिल प्रोसेस करने से पहले आपको जो सेल आपकी सर्विस बुक है उस सर्विस बुक में आपने एंट्री कर दी होगी इंक्रीमेंट की, वो आपको करनी होती है और एक DDO एक ऑर्डर निकालेगा इंक्रीमेंट का कि किन कर्मचारियों के ऑर्डर जो है वो इंक्रीमेंट लगना है और किन का नहीं लगना है, ये सारा आपको पहले कर लेना है और वो इंक्रीमेंट ऑर्डर भी आपके इसके साथ में बिल के साथ आपको प्रोसेस करना है। तो चलिए आगे फटाफट बढ़ लेते हैं और बिल प्रोसेस करते हैं। तो आपको सैलरी प्रिपरेशन में आके सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में आने के बाद में आपका जो प्रोसेस का ऑप्शन है मंथली सैलरी का, इस पर आपको आ जाना है। सैलरी मंथली प्रोसेस ऑप्शन में जैसे ही आप आएंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये बिल मिल जाते हैं, इसको आप पे जुलाई मंथ सेलेक्ट करते हुए और जिन जिन आपको एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस करनी है उन सभी पे आपको चेकबुक्स पे क्लिक करना है और इसको नीचे ड्रैग करते हुए जितने एम्प्लॉय सबको एक तसल्ली बक्स देखते हुए कि आपके पास कितने जो एम्प्लॉय हैं उन सब की सैलरी आपने प्रोसेस की या नहीं की वो आपको देखते हुए एक बार इसको प्रोसेस कर दें। यहाँ से इस प्रकार से जितने भी बिल हैं आपके, जितने ग्रुप्स बने हैं सब की आपको सैलरी प्रोसेस करनी है और इस प्रकार से आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ये आप प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद थोड़ा प्रोसेस अभी जून महीने से बदल गया, आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ऑथोराइजेशन में जाके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन के अंदर जाना है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ गया, इस ऑथोराइजेशन ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ आपको क्या अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे ही आप आएंगे तो ये ऑप्शन एक बार ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका जुलाई मंथ का आ गया। बिल टाइप के अंदर आपको सैलरी करना है और ग्रुप नेम में जितने भी आपके ग्रुप बने अलग अलग हेड के, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है। जैसे इस अपलोड ऑप्शन में जाएंगे आप, यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं अपॉइंटमेंट लेटर का, यानी पहली बार किसी का अपॉइंटमेंट है तो आपको ये करना है और पहली बार होगा तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको। ये हाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है।
अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो गया है तो एलपीसी यहां पर अपलोड करनी है, आरओपी किसी की करनी है तो डिडक्शन ऑर्डर आपको यहां पर एंटर करने हैं, जीपीएफ फर्स्ट डिक्लेरेशन का यहां पर करना है, एसआई का यहां करना है, एब्सेंटी का यहां पर करना है और कोई अदर फॉर्म या ऑर्डर हो तो यहां पर आपको सबमिट कर देना है। एब्सेंटी अगर कुछ भी ऑर्डर नहीं है तो एब्सेंटी तो आपको करना है, नो एब्सेंटी का यहाँ पर जैसे नो एब्सेंटी करेंगे आप तो ये सबमिट हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अलाउ है और जितने भी इससे संबंधित डॉक्यूमेंट होते हैं सबको एक साथ इससे जो आपने ये ग्रुप्स बनाया था उस ग्रुप से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट एक साथ करने हैं। तो हमें यहाँ पर जुलाई मंथ की सैलरी के लिए आपको ऑर्डर जो करना है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर आपको करना है। इस इंक्रीमेंट ऑर्डर को अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको इंक्रीमेंट ऑर्डर ब्राउज़ कर लेना है। ब्राउज़ करने के बाद जहाँ पर भी आपने सेव कर रखा आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी फाइल मैनेजर और वहाँ से आप जो ऑर्डर आपको करना है इस ऑर्डर को आप इस प्रकार से देख सकते हो और यहाँ से इसको ओपन कर दें। ओपन करने के बाद में आपको सबमिट करना है और जैसे आप सबमिट कर दोगे तो आपका ऑर्डर यहाँ से सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों इस डॉक्यूमेंट को आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में यहाँ पर ये ऑर्डर आपको दिखाई दे जाएगा। इस ऑर्डर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से और अगर गलत हो गया तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। दूसरा आपको बता दूं कि यहाँ तक जो काम है आपको यानी कि डीडीओ फॉरवर्ड तक का काम है वो आप किसी भी ब्राउज़र में कर सकते हो। जब साइन करोगे आप डीएससी से तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन चाहिए, वो भी वर्जन नाइन से ओप्पो का, ठीक है। ये काम अपना हो गया अपलोड का, यहाँ से आप देख भी सकते हो कि आपने डॉक्यूमेंट क्या अपलोड किए हैं, सही किए नहीं किए। जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट नीचे अपलोड या डाउनलोड हो जाएंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है जहाँ ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपलोड करने होते हैं, हर बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। हर बार आपको केवल नो अगर एब्सेंटी है तो एब्सेंटी करो, नहीं तो नो एब्सेंटी इसको सबमिट करना ज़रूरी है। अब आपको अगला काम दोस्तों डीडीओ फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड टू आप डीडीओ कर दें। यहाँ फॉरवर्ड टू डीडीओ करेंगे तो जो ऑप्शन पहले आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड के दौरान आते थे वो ऑप्शन यहाँ पर डीडीओ फॉरवर्ड में जोड़ दिए गए। इसमें आप देखिए बिल नंबर यहाँ पर ये आ गया आपका पहले आता था, यहाँ नेट अमाउंट और यहाँ ग्रॉस अमाउंट का ऑप्शन अब यहाँ पर आने लगा जो कि पहले ट्रेजरी फॉरवर्ड करते समय आता था। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये अगर एसएफ का है तो एसएफ में रहने दें और एसएफ और सीएफ का 40-60 का रेशो या जो भी रेशो है उसके अकॉर्डिंग आपको पीडी वालों को बांटना होता है या फिर जो सेंट्रल एम्प्लॉय होती है सीए के उसको बांटना होता है। यहाँ पर आपको सबमिट करना है और जैसे आप सबमिट कर देंगे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको फॉरवर्ड करना होता है तो इसको फॉरवर्ड कर दें। जैसे आप फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड के बाद आपका ये फॉरवर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा जैसे ही आ गया आपके सामने और ये इसको ओके कर दें। ओके के बाद आप फिर दोस्तों सभी जो रिपोर्ट्स हैं आपकी वो आपको डाउनलोड करनी है। एक बार यहाँ ऑथराइजेशन में देख भी सकते हो आप व्यू बिल स्टेटस में कि आपका बिल कहाँ तक है फॉरवर्ड हुआ है। यहाँ जैसे ही आप स्टेटस में देख रहे हो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे तो ये बिल आपका ट्रेजरी तक डीडीओ तक फॉरवर्ड हो चुका है। एक है अब इस बिल को आपकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करनी है तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको जाना है। अब दोस्तों आपको करना है डीएससी से सिग्नेचर, डीएससी से सिग्नेचर ऑथोराइजेशन ऑप्शन में आना है। यहाँ आने के बाद डॉक्यूमेंट डिजिटल साइंस इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन सामने आ जाते हैं और यहाँ आप जो है सैलरी बिल बना रहे हो तो सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप में आपका यहाँ ये जो है वो आ जाएगा। अब आप नीचे जो है कुछ बिल आपका दिखाई दे जिस पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ व्यू रिपोर्ट साइन का ऑप्शन आ गया और यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट और यहाँ आपको डिलीट के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ आपको टोटल फाइल 3 दिखाई देगी, आउटर इनर और शेड्यूल, और साइन फाइल 0 दिखाई दे रही है अभी, ये आधार से और डीएससी से। तो आप डीएससी से कर रहे हो इस डीएससी पे आपको क्लिक करना है। जैसे साइन बाय डीएससी करोगे नीचे इस प्रकार से साइन फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, इस ऑप्शन पे आपको साइन फाइल पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ साइड में अभी आपके सामने एक चेकबॉक्स का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी ये साइन की। ये ओपन होने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है और आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ओके ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 10 से 12 सेकेंड आपको वेट करना है, फिर ये इस प्रकार से आपको डिजिटल पिन का ये आपका मांग लेगा। यहाँ आपको फटाफट आपके जो पिन नंबर है वो पिन नंबर एंटर करते हो और आपको कर देना है ओके। ओके के बाद में सक्सेसफुली साइन का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा थोड़ी देर में।
थोड़ी देर आपको वेट करना है, उसके बाद में फाइल सक्सेसफुली ये साइन इस प्रकार से आ जाएगा, इसको आपको ओके कर देना है। अब ये फाइल आपकी साइन हो चुकी है और यहाँ जो जीरो दिखाई दे रहा था वो तीन दिखाई देने लग गया। साइन रिपोर्ट के अंदर आप यहाँ से क्लिक करके रिपोर्ट को एक बार देख सकते हो यहाँ से। और दूसरा ऑप्शन ये भी, आप यहाँ से नहीं देख पाओ तो दूसरी जगह सिर्फ देख सकते हो, वो ऑप्शन भी अभी आपको मैं बता दूँगा। इस पर आपको इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, आउटर का, इनर का और शेड्यूल का, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये साइन रिपोर्ट की आपकी जो PDF बन के आपके सामने आ गई है, इसको यहाँ से डाउनलोड करो और इसको यहाँ से अपने पास सेव रख सकते हो। तो दोस्तों, इसको साइन रिपोर्ट को आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। आप एक बार यहाँ से अगर लॉग आउट भी हो जाते हो तो दोबारा यहाँ पर आओगे, इसको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको साइन रिपोर्ट दिखाई दे जाएगी। इस साइन रिपोर्ट पे आप क्लिक करके और इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसको डाउनलोड कर सके, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इस प्रकार से आपकी रिपोर्ट ये डाउनलोड हो जाएगी और आपके सामने डाउनलोड रिपोर्ट ये आ जाएगी और आप देख रहे हो इस प्रकार से यहाँ पर साइन हो जाएंगे। इसी प्रकार से आउटर देखोगे तो आउटर पर भी आपको साइन मिलेंगे। तो ये सारी रिपोर्ट आप देख के और यहाँ से रिपोर्ट को अच्छी तरह से देख के और आप कर सकते हो। दूसरा, इस रिपोर्ट को यहाँ निकालने के बजाय आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ऑफलाइन सबमिशन बिल डाउनलोड, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में डाउनलोड साइन रिपोर्ट, इस ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये साइन हो गई आपकी कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है इस बिल को, क्योंकि आपने सिग्नेचर कर दिए, काम कम्प्लीट हो गया। अब आप इसको यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए और ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। ट्रेजरी फॉरवर्ड करने जैसे आप करोगे दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करते हुए इस पर आपको टिक मार्क करना है। नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और यहाँ से आपको कर देना है फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड करने के बाद जैसे आप फॉरवर्ड करोगे, सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने यहाँ पर शो हो जाता है, बिल सक्सेसफुली फॉरवर्डेड हो गया। अब आप इस रिपोर्ट को एक बार देखते हुए ये ऑथराइजेशन में जाके और व्यू बिल स्टेटस में देख के आप इसको देख सकते हो कि आपका बिल फॉरवर्ड हो चुका है या नहीं हुआ है। मैसेज आने के बाद में भी आपको एक बार देखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर जो 15 नंबर बिल है मैंने आपको करके दिखाया, ये बिल आपके सामने इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और यहाँ आप देखेंगे तो इस पे आप देखिए, आप ये डिटेल जो है सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से आपका बिल फॉरवर्ड हो जाएगा। और एक बात आपको और बता दूँ कि बिल जब आप यहां से प्रोसेस करते हो बिल को एलोकेशन के बाद में बिल आप डिलीट का ऑप्शन बंद कर दिया है NIC ने, क्योंकि बार बार बिल एलोकेट करके लोग छोड़ देते थे, इसको अपने अब डिलीट नहीं कर सकते, केवल प्रोसेस किया हुआ बिल आप रिवर्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस DAC से आप कर सकते हो दोस्तों। और इस DAC पे अपन नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो FVC बिल के और अदर वीडियो भी आपको 2-4 वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर सबको करें। थैंक यू।